लो बच्चों, यहाँ पर हम डीपीपीएस का एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और ये जहाँ तक मुझे याद है काफी पुराना जेई का क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। मैं अपनी साइड से सजेस्ट करूंगा आपको कि सॉल्यूशन देखने से पहले आप ट्राई जरूर करना है इसे। काफी अच्छा क्वेश्चन आपने खुद से कर दिया तो बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। सो लेट्स सी क्वेश्चन क्या है। एफ एक्स आपको दिया है लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ एल एन ऑफ एक्स प्लस टू माइनस एक्स रेस टू टू एन इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स रेस टू टू एन प्लस वन। तो आपको इस फंक्शन की कंटिन्यूटी बतानी है x इक्वल टू वन पर। कंटिन्यूटी के ऊपर कमेंट करने के लिए आपको RHL पता होना चाहिए, LHL पता होना चाहिए और वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ये सब निकालने हैं बस। सो लेट्स सी कैसे निकालेंगे। पहले वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। चलो f of 1 निकालने के लिए आप x को 1 रखोगे, x को एग्जैक्टली 1 रखोगे। एग्जैक्टली 1 होना और 1 के क्लोज होना थोड़ा अंतर होता है, उसका ध्यान रखना है। तो अभी तो एग्जैक्टली 1 रखेंगे। अब fx को 1 रखोगे तो ये हो जाएगा ln 3, ये 1 ही हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो कैसे इस लिमिट का तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो कांस्टेंट फंक्शन ही हो गया। बाकी वो हो जाएगा sin 1 और ये 2। तो ये f of 1 आ रहा है, ln 3 minus sin 1 अपॉन टू। ओके फाइन, नाउ लेट्स सी RHL क्या होगा। एक्चुअली दिमाग वाला काम अब स्टार्ट होता है। इस जगह पे लोग कंफ्यूज खतरनाक होंगे अब RHL और LHL दोनों को ही निकालने में। लेट्स सी क्या हो रहा है। RHL का मतलब हो गया आपको x टेंडिंग टू 1 करना है। अब x tending to 1, अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये कि n tending to infinity ऑलरेडी है उधर। सो अब लोग यहाँ काफी कंफ्यूज होने लगते हैं कि पहले n का देखें कि x का देखें, क्या देखें एक्चुअली। सो देखो इसमें कैच क्या है एक्चुअली। ये होगा लिमिट x tending to 1 प्लस ऑफ fx। तो आपको ये बताना है कि fx किसके क्लोज होगा जब x 1 के क्लोज हो। लेकिन 1 के क्लोज हो राइट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड से जब 1 के क्लोज है तो एक छोटी सी नोट करने वाली बात है कि 1 से तो बड़ा है वो, तो x जो है वो 1 से बड़ा है। ओके, तो इस लिमिट में जो भी हो जाए x 1 से बड़ा है। अब ये खुद अपने आप में एक लिमिट है, तो इसमें x रेस टू 2n का टर्म आ रहा है। x अगर 1 से बड़ा है और n टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो x रेस टू 2n कहां जाएगा। x raised to 2n क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ n के रेस्पेक्ट में। जब आप देख रहे हो तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ऐसा होता है अगर बेस 1 से बड़ा हो तो ऐसा अगर ग्राफ रहेगा तो इनपुट इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो आउटपुट भी इंफिनिटी की तरफ जा रहा है आपका। तो यू कैन सी x raised to 2n तो इंफिनिटी की तरफ जाएगा, तो वो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, ये भी इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, बाकी सब तो बहुत छोटे छोटे नंबर है। तो जब भी चीजें इंफिनिटी की तरफ जाए तो आपको बोला हुआ है क्या करना है, बड़े टर्म को कॉमन लो तो छोटे टर्म अपॉन बड़े टर्म बचेंगे और बड़े बड़े टर्म कट जाएंगे एक्चुअली। तो यहाँ पर x raise to 2n को मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो this upon x raise to 2n will tend to 0, तो ऊपर जस्ट जो चीज बचेगी वो माइनस साइन 1 की क्लोज होगी और नीचे भी x raise to 2n को कॉमन ले रहा हूँ तो नीचे 1 बचेगा। ये 1 upon x raise to 2n ये 0 की तरफ टेंड करेगा और x raise to 2n कट जाएगा। तो RHL जो है वो एक्चुअली माइनस साइन 1 आएगा। तो इसमें छोटी सी नोट करने वाली बात बस इतनी सी थी कि x जो है वो 1 से बड़ा था तो x raise to 2n ऑब्वियसली इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। नेक्स्ट सेम बात LHL के केस में, x 1 से छोटा है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ अब ऐसा होगा, आपके साइड से आप देख रहे हो तो ऐसा होगा, तो इन्फिनिटी की तरफ जाने पर वो फंक्शन जीरो की तरफ जा रहा है, तो x रेस टू 2n अब जीरो की तरफ जाएगा। तो LHL के टाइम पर ये चीज जीरो के क्लोज है तो आंसर होगा ये ln 3 के क्लोज होगा अपॉन 1। तो अब आप देख सकते हो RHL, LHL, वैल्यू सब अलग अलग है। तो क्या कमेंट होंगे आपके फंक्शन की कंटिन्यूटी के ऊपर कि इट इज हैविंग फाइनाइट नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। फाइनाइट जंप है उसके अंदर क्योंकि दोनों फाइनाइट है, तो इसलिए फाइनाइट और नॉन रिमूवेबल होगा क्योंकि दोनों ही अलग अलग है। तो इट इज हैविंग फाइनाइट नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। So that's it. Yes, question ka answer over.